दोस्तों हाल ही में जियो सिनेमा ने अनाउंस किया कि इस बार जियो सिनेमा में फ्री में आईपीएल देखने को मिलेगा। इस अनाउंसमेंट के बाद आईपीएल के फैंस में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर खुद महेंद्र सिंह धोनी हैं और उन्होंने जियो सिनेमा की एड में स्टार स्पोर्ट्स को ट्रोल भी किया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर जियो सिनेमा फ्री में आईपीएल दिखाने वाला है तो आखिर वो पैसे कैसे कमाएगा और हॉटस्टार पर इस बार हम आईपीएल देख पाएंगे या नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स टाइम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2023 में खेले जाने वाले आईपीएल की और साथ में ये भी हम आपको बताएंगे कि आखिर जियो सिनेमा में फ्री आईपीएल के साथ हमें और क्या क्या मिलेगा। दोस्तों आईपीएल 2023 से 27 के राइट्स 2022 में ही बिक चुके हैं। इस बार आईपीएल के टोटल राइट्स की वैल्यू 48,390 करोड़ पड़ी है और कमाल की बात यह है कि ये राइट्स पिछली बार स्टार इंडिया ने सिर्फ 16,300 करोड़ में खरीदे थे, जो कि इस बार जियो की वजह से 2.5 गुना से भी ज्यादा महंगे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे, आईपीएल के दो तरह के राइट्स हैं, एक डिजिटल राइट्स और दूसरे मीडिया राइट्स। ऑनलाइन जितनी भी स्ट्रीमिंग होती है उसके राइट्स डिजिटल राइट्स में आते हैं और वहीं मीडिया राइट्स में आपको टीवी टेलीकास्टिंग देखने को मिलती है। पिछली बार ये दोनों राइट्स स्टार इंडिया के पास थे, लेकिन इस बार जियो सिनेमा ने 23,778 करोड़ रुपए देकर डिजिटल राइट्स अपने नाम कर लिए और स्टार इंडिया के पास इस बार सिर्फ मीडिया राइट्स हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर जियो सिनेमा पैसे कैसे कमाएगा। तो दोस्तों जियो इस बार मैच में दिखाए जाने वाली एड्स के थ्रू पैसे कमाएगा। हर मैच में आपको 50 मिनट की एड देखने को मिलेगी, जिसमें हर 10 सेकंड की एड के जियो 10 से 15 लाख रुपए चार्ज करेगा और जैसे जैसे मैच बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये चार्जेस भी हाई होते जाएंगे। इसके अलावा जियो मैच देखने में खर्च होने वाले डाटा से भी अर्निंग करेगा। आपको जियो सिनेमा में अगर मैच 4K में देखना है तो आपको पर मैच 25 GB डाटा खर्च करना पड़ेगा, वहीं HD के लिए 12 GB, मीडियम क्वालिटी के लिए 3 से 4 GB और लो क्वालिटी के लिए 1.5 से 2 GB खर्च करना पड़ेगा। इससे भी कंपनी का प्रॉफिट होगा। इसके साथ आपको जियो सिनेमा में डॉल्बी की ऑडियो क्वालिटी के साथ 360 एंगल कैमरा व्यू मिलने वाला है, जिससे हम जिस एंगल से चाहें मैच देख सकते हैं। और अब बात करें स्टार इंडिया की, तो वो इस बार सिर्फ टीवी चैनल्स में आईपीएल मैच टेलीकास्ट करेंगे और सिर्फ टीवी एड्स के थ्रू ही अर्निंग करेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।